फरीदाबाद बल्लभगढ़ सेक्टर 58 संजय कॉलोनी स्थित सम्राट हॉस्पिटल में प्रशासन महिला पुलिसकर्मी के साथ की मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान महिला पुलिसकर्मी को काफी चोटें आई हैं। मौके पर पहुंचे पुलिस ने महिला पुलिसकर्मी को उपचार के लिए बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल भेज दिया है। बता दें महिला पुलिसकर्मी अपने बीमार पिता के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पताल से निकल गई थी, जिसकी सिक्योरिटी के रूप में 20,000 अस्पताल प्रशासन ने महिला पुलिसकर्मी से लिए थे। बाद में सिलेंडर लौटाने पर पैसे वापस करने की बात कही थी, पर पुलिस का कहना है ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर मामूली कहासुनी हुई थी, उसके बाद महिला पुलिसकर्मी के साथ मारपीट हुई है। क्या नाम है जी? मेरा नाम है सईद। वधु जी, क्या हुआ आपके साथ, कैसे लगी ये चोटें? सर, अभी हम यहाँ से 3-4 दिन पहले सिलेंडर लेकर गए थे। इन्होंने कहा 20,000 रुपये जमा करवाए थे और कही थी भाई जब सिलेंडर खाली हो जाए वापस दे जाना, आपके 20,000 वापस दे देंगे हम, जो सिलेंडर की कीमत होगी ना भरने की वो आप दे देंगे। अभी इन्होंने 20,000 रुपये रख लिया, छोटा सिलेंडर था वो भी रख लिया, जो इस हॉस्पिटल का मालिक है और उसके लड़के ने जी। ये वो महिला पुलिसकर्मी है, मैंने उनसे बोला मैं भाई मुलाजिम हूँ, ऐसे से बोलते भाई हमारे ये सिलेंडर के पैसे वापस कर दो जी। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, सीधे ही मेरे हाथ पकड़े इसके मालिक ने जी। उनके लड़के ने मेरे सिर पर सीधी रोड मारी और गाली गलौज की, बदतमीजी की और मुझे खदेड़ के। कौन सा हॉस्पिटल है ये? सम्राट हॉस्पिटल है। इसमें जहाँ झगड़े की सूचना पाक आए तो अब वो हॉस्पिटलाइज है, इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल बल्लभगढ़ भेजे हुए हैं और बाद जांच जैसी सूरत होगी कार्रवाई करेंगे। क्या कुछ तथ्य सामने आए हैं, कोई बातचीत की गई है, किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ था, क्या कुछ मामला था? अभी इस मामले में उनसे स्टेटमेंट लेंगे, उसके आधार पर आगे हम कार्रवाई करेंगे। जो भी हम अभी तक यही है कि उनके पेरेंट्स थे, उनके पिताजी के लिए कोई ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए वो आए बताइए तो